नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है सारो सर क्लासेस में। आज हम ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। इस एग्जामिनेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इस एग्जाम में कैसा एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस क्या है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आप क्या ले सकते हो इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए, उन सब के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन की जो अंडर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, इट इज़ फॉर द एडमिशन फॉर सेवरल कोर्सेज लाइक इंटीग्रेटेड MBA, BBA, BHM, BCA एक्सेट्रा। इट इज़ अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। एंड इट इज़ फॉर दी एडमिशन ऑफ कोर्सेज लाइक BBA, BCA, इंटीग्रेटेड MBA, BHM, मतलब बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, BCOM, इन सब के लिए ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। और ये एग्जामिनेशन का मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो है 10+2। और 22 डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर में हमारे देश में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है। दिस इज़ अ 2 आवर एग्जामिनेशन एंड 130 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर देयर। एंड द क्वेश्चंस आर फ्रॉम जनरली आर फ्रॉम इंग्लिश एंड डेटा एनालिसिस एंड रीजनिंग एंड GK। और अगर आपको इसका रिजल्ट जानना है तो आपको इन लोगों के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाके सर्च करना पड़ेगा। द ऑफिशियल वेबसाइट इज AIMA.in। इट इज अ पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जामिनेशन, दैट इज इट इज ऑफलाइन एग्जामिनेशन। तो आपको पेन और पेपर मिलेगा फॉर आंसर टू डू द आंसर्स। आइए आप जान लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस एग्जामिनेशन के लिए रिक्वायर्ड है वो है 10+2 विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड। एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट और अपियरिंग फॉर 10+2 एग्जामिनेशन आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर दिस एग्जामिनेशन। एंड स्टूडेंट्स शुड बी एटलीस्ट 17 ईयर्स ओल्ड वाइल अपियरिंग इन दिस एग्जामिनेशन। आइए आप एग्जाम के पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। इट इज़ अ मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन, इट कॉम्प्राइजेज मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन एंड फॉर IMBA मतलब कि इंटीग्रेटेड MBA, BBA, BCA एंड BHM के लिए ये 2 आवर का एग्जामिनेशन है। एंड फॉर बैचलर इन होटल मैनेजमेंट इट इज़ 3 आवर एग्जामिनेशन। फॉर रॉन्ग आंसर देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। एंड जनरली फॉर IMBA, BBA, BCA द क्वेश्चन आर फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, डेटा इंटरप्रिटेशन, जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल नॉलेज। एंड फॉर होटल मैनेजमेंट द एग्जामिनेशन सिलेबस विल बी कॉम्प्राइज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एंड डेटा एनालिसिस एंड रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड टुगेदर विद द जनरल नॉलेज, सर्विस एप्टीट्यूड एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड। तो जो होटल मैनेजमेंट के कोर्सेस है उसमें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स है जैसे कि सर्विस एप्टीट्यूड एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड। तो IMBA, BBA, BCA के लिए ओनली द क्वेश्चन आर फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एंड डेटा एनालिसिस, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। एंड फॉर BHM द क्वेश्चन आर फ्रॉम इंग्लिश, न्यूमेरिकल एंड डेटा एनालिसिस, रीजनिंग एंड GK together with service aptitude and scientific aptitude. तो IMBA, BBA और BCA में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं हर एक पेपर में, फॉर इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 40 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एंड डेटा एनालिसिस देयर आर 30, एंड फॉर द अदर टू लाइक रीजनिंग एंड GK there are 30 questions for each. So total number of questions is 130. English language mein 40 questions aate hai and 30 for numerical
एंड डेटा एनालिसिस, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल नॉलेज। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 130 फॉर इंटीग्रेटेड एमबीए, बीबीए, बीसीए। फॉर बैचलर इन होटल मैनेजमेंट, फॉर इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल एंड डेटा एनालिसिस एंड रीजनिंग एंड जीआई एंड जीके में 30 क्वेश्चंस आते हैं, सर्विस एप्टीट्यूड एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड पे 25 क्वेश्चंस आते हैं फॉर ईच सब्जेक्ट। मतलब सर्विस एप्टीट्यूड पे भी 25 क्वेश्चंस आते हैं एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड पे भी 25 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 180। द सिलेबस इज जनरली डिवाइडेड इनटू फोर सेक्शंस, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एंड डेटा एनालिसिस, रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल नॉलेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो है सेंटेंस कॉम्प्लीशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉन्टेक्स्टुअल यूजेस, सिलियोगिज्म, या फिर सेंटेंस करेक्शन, इडियम्स, एनालॉजीज, डिफरेंट यूसेज ऑफ सेम वर्ड्स, एनाटॉमीज, एंटोनिम्स, इन सब से क्वेश्चंस आते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जो क्वेश्चंस आते हैं वो है सेंटेंस कॉम्प्लीशन, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉन्टेक्स्टुअल यूसेज, सिलियोगिज्म, सेंटेंस करेक्शन, इडियम्स, एनालॉजीज, डिफरेंट यूसेज ऑफ सेम वर्ड एंड एंटोनिम्स, सिनोनिम्स के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। फॉर न्यूमेरिकल एंड डेटा एनालिसिस द क्वेश्चंस आर फ्रॉम ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिनियर इक्वेशन, इन सब के ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। द रीजनिंग पोर्शन कॉन्सिस्ट ऑफ ब्लड रिलेशन, क्रिटिकल रीजनिंग, कैलेंडर, सिलियोगिज्म, स्टेटमेंट कॉन्क्लूशन, सीरीज, फैमिली ट्री, एक्सेट्रा। फॉर जीके पोर्शन यू शुड रीड दी फेमस पर्सनैलिटीज, बिजनेस, इकोनॉमी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके एंड करेंट अफेयर्स फॉर ईच डे। आइए आप जान लेते हैं कि क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप ले सकते हैं फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो हर एक एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी करीब करीब सेम होता है, क्योंकि अगर आपको कोई एग्जामिनेशन क्रैक करना है तो सेम टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी से ही आप क्रैक कर सकते हो। तो मैं आपको एक यहाँ पर प्रिपरेशनल स्ट्रेटेजी बता देता हूँ जो आप फॉलो कर सकते हो टू क्रैक सच एग्जामिनेशंस। पहले तो आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना है एंड उस स्टडी प्लान को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि अगर आप अपने गोल्स को फिक्स रखोगे तो आप एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली उसको अचीव कर पाओगे। नाउ यू शुड नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। आप जो एग्जामिनेशन के सिलेबस है उसको अच्छी तरीके से देख लीजिए एंड देन डिसाइड कीजिए कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ों में आप स्ट्रेंथ आपका स्ट्रेंथ है एंड कौन कौन सी चीज़ों में आपका वीकनेस है, तो उसके मुताबिक अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। प्लान योर एग्जाम स्ट्रेटजी। यहाँ पर जैसे कि मैं एक आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, आपको भी खुद के लिए एक स्ट्रेटजी बनाना है। आप मेरे से भी मेरे इनपुट्स ले सकते हैं या फिर खुद के मुताबिक एक स्ट्रेटजी बना सकते। और अगर आप एक स्ट्रेटजी बनाओगे तो आपको एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में कम दिक्कतें आएगी। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो है जो आपको इंटरनेट में मिल ही जाएगी, आप उसको जितनी जल्दी हो सके एंड जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने से आपको एग्जामिनेशन के जो पैटर्न है उसके बारे में एक क्लियर आइडिया हो जाएगा। लर्न ऑल द शॉर्टकट्स इंक्लूडिंग द फॉर्मूलाज टू बी यूज इन द प्रैक्टिकल क्वेश्चन। स्टे फिट एंड मेंटली, फिजिकली एंड मेंटली फिट, क्योंकि मेंटली एंड फिजिकली फिट रहना बहुत ज़रूरी है फॉर टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन और टू जनरली टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। प्रैक्टिस अनटिल द लास्ट मिनट, क्योंकि प्रैक्टिस जो है इट इज़ द की
टू क्रैक एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो आपको लास्ट मिनट तक प्रैक्टिस करना है। वी सोरा सर्स क्लासेस प्रोवाइड स्पेशली डिजाइन स्टडी मटेरियल्स, एग्जाम स्पेसिफिक मॉक टेस्ट, डिटेल्ड एनालिसिस, पर्सनलाइज मेंटरशिप सेशंस एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस, एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड फ्री डेमो क्लासेस। We are flexible with both online and offline classes, and you will get the recorded form of class if you miss any class. And you will get personalized guidance also from our renowned faculties. Or you just can contact us or mail us at sourasirclasses@gmail.com. It is our mail ID. Or you can just check our website, that is www.sourasirclasses.com. तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। I think all the students out there gained full clarification about this examination. My name is Ayanpal. Now I am signing out. Thank you very much.